झारखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ते क्रम को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर रिम्स में लगभग 750 नर्सों का और लैब टेक्नीशियन का बहाली किया गया था, मगर आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी इन कर्मियों को अपना वेतन और अस्थिर नौकरी को लेकर दरबदर भटकना पड़ रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हम लोग सर, हम लोग अपने मांग के लिए बैठे हुए हैं। कोविड के समय में जब सेकेंड विपदा आई थी उस समय हम लोग को बहाल किया गया था, और बहाल करने के बाद हम लोग बहुत सुविधा से सेवा दिए हैं हम लोग, और 3 महीना तक हम लोग कर्ज में ले लेकर अपना घर चलाए हैं, रूम रेंट दिए हैं, और उसके बाद जाकर देखा जाए 3 महीना के बाद भी हम लोग पेमेंट नहीं दिया जा रहा, 3 महीना के बाद हम लोग हटाया जा रहा है। सर हम कहते हैं कि क्या कोविड ख़त्म हो गया है, पेंडेमिक जो है ये सारा ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया तो हमें एक WHO से लेटर दिला दें कि हाँ आपके बाद वायरस नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे और हमारा पेमेंट दिलवा देंगे। अगर नहीं ख़त्म हो रहा है तो हमें हमारा एक्सटेंशन मोड को बढ़ाया जाए, क्योंकि लिखा हुआ था कि 1 साल का उसके बाद एक्सटेंशन मोड, ठीक है, हमें एजेंसी जिसने बताया रिक्रूटमेंट एजेंसी। उसके बाद आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि अचानक खाना बंद कर दिया गया है हॉस्टल में, सभी अभी भूखे यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ सुपरिटेंडेंट जी कहते हैं कि आप लोग एक काम करो, जो आप लोग सैलरी वाला बन चुका है उसमें साइन करो और उसके बाद घर अपना अपना चले जाओ, किन्हीं पर भाड़ा नहीं जाने के लिए। और हम साइन क्यों करें सर, अगर साइन कर दे आप पेड़ मार दे उसमें सबको पैसा मिल गया तो हम किस तरह लड़ेंगे। हमें लिखित चाहिए कि आप हमारे पेमेंट दोगे, और 3 दिन का वेरिफिकेशन है तो हमें खाना भी चाहिए हॉस्टल में, क्योंकि हम भूखे पैसे कब तक यहाँ रहेंगे, किसी पर पैसा भी नहीं घर जाने के लिए। हम लोग कर्जे में डूब गए हैं सर, यहाँ पर हम लोग काम किए 3 महीने, हम लोग कर्ज लेकर सेवा दी है, आज उनके औकात नहीं हो रही कि हमें पैसा दे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बिरबल कुमार चंद्रवंशी। आप लोग आज यहाँ रिम्स के पास भीख क्यों मांग रहे हैं? हम लोग का यहाँ से खाना भी बंद हो गया, और हम लोग मई माह में जब सेकेंड लहर जब कोविड चल रहा था उस समय आनंद फानन में रिम्स ने एक मांग पत्र लिखा था NHM से पूर्व, हमें इतना वर्कर की जरूरत है जिसमें कोविड में हम लोगों ने लॉकडाउन लगी थी उस समय एक लेटर के माध्यम से हम लोग ने देखा था, गाड़ी रिजर्व करके 7,000-8,000 तक में हम लोग यहाँ आके ज्वाइनिंग किए, आनंद फानन में तुरंत ज्वाइनिंग रिज्यूम डाल के दिया गया, उसी वक्त ड्यूटी में लगा दिया। हम लोगों ने काम करते रह गए, कुछ लोग ज्वाइनिंग ही लेते रह गए, कुछ हमसे 12 तारीख के बाद से भी ज्वाइनिंग लेते गए, और उन लोग को 256 घंटे भगा दिए काम करा के, बोल रहे कि 11 के बाद मतलब ये नहीं था, डेट नहीं था, तो इन लोगों ने ज्वाइनिंग क्यों लिया। उन लोगों को भी भाग गए, उन लोगों को भी परेशान किया गया। हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से इस चीज़ की मांग रखे हैं, और हम लोग को अचानक लेटर निकाला जा रहा है 5 तारीख को रात में कि नहीं 10 तारीख तक ही आप लोग का कार्य बना, उसके बाद सेवा समाप्त किया जाता है, और उसके बारे में पेमेंट वेमेंट के बारे में कोई बात नहीं है। हम लोगों से NRHM के रजिस्टर पर सिग्नेचर कराया गया, 1 माह होने वाला था लगभग, उन्होंने TNM का लेबल लगा दिया माइक्रो कोड चिपका कर, और हम लोग को बोला कि नहीं तुम लोग एजेंसी के थ्रू ही आई हो, हम लोग कोई एजेंसी वजेंसी को नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत हमारी बात है, और उन्होंने इतना मांग पत्र रखा हम लोग इसलिए यहाँ ज्वाइनिंग लिए। हम लोग को गुमराह किया गया और ड्यूटी करा करके और भगाया जा रहा, खाना भी नहीं दिया जा रहा, 1 रुपया पैसा भी नहीं आज तक मिला है। हम लोग कैसे बाल बच्चा के पाले सर, कैसे जाए कहाँ जाए, कैसे रहे, हम लोग जहाँ काम करते थे उसी हम लोग छोड़ के आगे कहीं के लायक नहीं हम लोग रहे, और हम लोग भूखे सुबह से आए, हम लोग को पानी तक नहीं दिया जा रहा। हम लोग का यही है कि जिस तरह हम लोग 1 साल के लिए बोल के रखा गया था, जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाने की बात थी, इस तरह रखा जाए, हमें मूल वेतन जितना था उसमें भी कसून रहे कटौती करके दिया जाएगा, तो जो मूल वेतन हो दिया जाए और कोविड एक्सपीरियंस दिया जाए प्रोत्साहन राशि दिया जाए। हम लोगों पर न फूल बरसाए जा रहे थे कोविड में, जितना नेता विधायक जितना है मंत्री लोग वो सब दिखावा दिक्कत 7 लोगों का अन्याय है। हो गया था